चल निकल। दीदी हुआ क्या है? निकल निकल चल निकल, मेरी बात तो सुनो दीदी, चल निकल यहाँ से। दीदी हुआ क्या है? तुझे कभी नौकरानी की तरह ट्रीट नहीं करा, हमेशा अपनी छोटी बहन समझा, पर तू छी। पर मैं ही भूल गई, कीचड़ लगी जूतियों को घर नहीं लेकर आना चाहिए, अपना ही घर गंदा होता है। दीदी मेरी बात तो सुनो, अपनी गंदी जुबान से दोबारा अगर दीदी बुलाए ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी? तुझे घर में लाने से अच्छा एक कुत्ता पाल लेती, कम से कम वफादार तो होता। ये शर्म। बस दीदी मैं प्यार से बात कर रही हूँ तो गलत फायदा मत उठाओ, और मैं जबरदस्ती नहीं सोई थी तुम्हारे पति के साथ, उन्होंने बिस्तर पर खींचा था मेरे को और कहा था कि मेरे से प्यार करते हैं। इतनी बेवकूफ है तू कि मेरी जैसी बीवी होते हुए तेरी जैसी नौकरानी से प्यार करेगा वो, है? और इतनी उतावली हो रही थी तो कम से कम पैसा ही ले ली थी, धंधे वालों की तरह कम से कम कमाई तो कर ली थी। निकल यहां से, आज के बाद अगर शक्ल दिखाई ना सॉरी, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ यार। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ज्यादा मत पिलाओ, मुझसे नहीं झेली जाती, और उसके बाद फिर तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। अगर तुम्हारे मन में खोट होता तो तुम मुझे सब कुछ आकर बताते, नहीं ना? और वैसे भी तुम नशे में थे, बट दैट बिच वो तो होश में थी ना, वो तुम्हारे नशे का फायदा कैसे उठा सकती है? बेबी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जब मैं उसके साथ वो सब, तो मुझे ना सिर्फ तुम नजर आती थी, सिर्फ तुम, और उसके बाद उसने मुझे ऐसे टॉर्चर किया जैसे कोई। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया रजत? मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हें खोना दूं, और फिर उसकी उसकी डिमांड्स इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई कि मैं अंदर से पूरा घुटने लग गया था। और तुम्हें सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, आई एम सॉरी। प्लीज डोंट से सॉरी, आई लव यू सो मच। डोंट ट्राई, आई लव यू, प्लीज कम। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मेरे साथ ऐसा मत करो साहब, मैं मर जाएगी साहब। माधुरी हाथ मत लगा, देख मैं जानता हूँ तू गंदा ने तेरे साथ गलत किया है, उसे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तू भी पागल है ना, बार बार मेरे नजदीक क्यों आती थी? अब मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता,
बेहतर होगा कि सब कुछ भूल जा और एक नई शुरुआत। नहीं नहीं साहब, मेरे से नहीं होगा साहब, मैं आपके आपके बिना नहीं होगा साहब। देख माधुरी, मैं भी सुगंधा के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है मेरी। बहुत एहसान है उसके मेरे ऊपर। तू अच्छी लगती है मुझे, हाँ? और अगर सुगंधा नहीं होती ना, तो शायद हम दोनों साथ हो भी सकते थे। लेकिन जब तक वो मुझे छोड़ नहीं देती ना खुद, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। पर वो आपको क्यों छोड़ेगी? इसलिए तो बोल रहा हूँ, नहीं छोड़ेगी। तुम बेहतर होगा, सब कुछ भूल जाओ और नई शुरुआत कर, ठीक है? और अगर सुगंधा नहीं होती ना, तो शायद हम दोनों साथ हो भी सकते थे। जब तक वो मुझे छोड़ नहीं देती ना खुद, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैडम, एक दिन मैंने दोनों को देख लिया साथ में। अच्छा, क्या कर रहे थे दोनों? मैडम, अभी एक आदमी एक औरत एक ही कमरे में क्या करेंगे बिना कपड़ों के? बिना कपड़ों के एकदम नंगे, मतलब कुछ भी नहीं पहना था। वही तो मैडम, मेरे को ना सांप पे बड़ा तरस आता है। वो सांप ना मैडम को इतना प्यार करते हैं, और वो औरत है ना, वो किशोर, वही तो, दोनों बाजू में रहते हैं, जवान है। वरना आप मेरे को एक बात बताइए, इस सोसाइटी में आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है ना? हाँ। फिर भी उस दिन मैडम के बर्थडे पे ना वो किशोर उधर ही था और आपको नहीं बुलाया। सांप ने तो नहीं बुलाया था उसको, पर वो रहा ना। नो बैड लैंग्वेज, सॉरी मैडम, वो चुड़ैल है ना, उसका दिल का लगता है अपने आशिक के बिना। रजत, अरे कैसा बीवी मिला है उसको? वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड।